हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इतना अच्छा लगेगा खाने में, घर के सामान से आपका बन जाएगा बिल्कुल मार्केट जैसा, इतना टेस्टी लगेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, घंटी वाले बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। यहाँ पर हमने पनीर ले लिए, तो पनीर लगभग हम 200 ग्राम के करीब में पनीर लिए। तो पनीर के हमने बड़े बड़े साइज में काट लिए हैं और पनीर मेरा खुद का घर का बना हुआ है। तो पनीर का वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी पहले से हमने डाल चुके हैं, अब देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। यहाँ पर हमने लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च, और प्याज हम बड़े बड़े साइज में शिमला मिर्च और प्याज को काट लिए इस तरह से, और बारीक बारीक हमने मिर्ची भी काट लिए हैं, थोड़ा लंबे वाले भी काटे हैं। आपके पास जो सब्जी है आप उसे डाल सकते हैं। तो मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से बारीक हमने काट लिए, तो इसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अरारोट ले लिए हैं और हमने यहाँ पर रेड चिल्ली ले ली है। तो रेड चिल्ली हमको जितना उसमें लगेगा उतना हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने पनीर एक बॉल ले लिए, इसमें हम पनीर को डाल देते हैं। तो पनीर को हमने डाल दिए, यहाँ पर हमने 3 चम्मच अरारोट डालना है। तो 3 चम्मच हमने अरारोट डाल दिए हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब में रेड वाली चिली डाल देना है। आपके पास रेड वाली चिली नहीं हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने नमक डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तभी जाके इसको पनीर में अच्छे से बैंडिंग आ जाएगी और पनीर को हम फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, पनीर फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें हम तेल पहले से गर्म कर चुके थे। तो जब भी फ्राई करना होगा पनीर, तब गैस को कम ही करके फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा क्योंकि पनीर आपका जल जाएगा। इस तरह से हम पनीर को एक एक करके पलट लेंगे, अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा। एक एक पलटेंगे, थोड़ा सा हल्का सा चिपक गया था तो इसको एक एक करके हम अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन तक हम इसको अच्छे से पका लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, तो इसको हम अपनी निकाल लेंगे। तो इस तरह से पनीर फ्राई करके पनीर चिल्ली बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा और आसानी से बन जाता है, कोई ज़्यादा समय वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने पनीर को फ्राई कर लिए, बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में पनीर। तो चलिए, हम अब इसको हम क्या करेंगे, ये वही कढ़ाई में हम इसको अच्छी तरह से मसाला को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2-3 चम्मच के करीब में ऑयल डाल दिए, तेल, रिफाइंड तेल। यहाँ पर हमने जो लहसुन काटे थे, अदरक, उसको अच्छे तरह से इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे, इसको अच्छे से हम चला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ज़्यादा सब्जी को नहीं पकाएंगे, सब्जी को हल्का सा क्रंच कच्चे रहने देंगे क्योंकि अच्छा लगता है पनीर चिल्ली में। ज़्यादा प्याज को पकाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च भी डाल दी है, तो शिमला मिर्च भी डाल के अच्छे तरह से भून लेंगे और हम जो प्याज काटे थे वो भी डाल देते हैं। सारे सब्जी को अच्छे तरह से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। उसके बाद इसमें हम सारे जो चिली है वो भी डालेंगे, मसाले सब। तो बहुत टेस्टी लगता है, इसे पराठा के या रोटी के साथ बना के खा सकते घर में। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिए हैं, रेड वाली चिल्ली हम डाल दिए हैं जो बचा हुआ था, और यहाँ पर लगभग हमने सोया सॉस और रेड चिल्ली हम डाल दिए हैं। थोड़ा सा और इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली, क्योंकि चिली पनीर चिली है तो पनीर चिली तो चिली ज़्यादा डलाता है तभी तो अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब में हमने केचप डाल दिए, तो 2 चम्मच के करीब हमने सॉस डाल दिए हैं। अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो पनीर चिल्ली बनाने के लिए आपको रेड वाली चिल्ली ज़्यादा रखना पड़ता है तभी जाकर टेस्टी आता है। यहाँ पर हमने विनेगर डाल दिए, तो विनेगर हमने 1/2 चम्मच के करीब में डाले हैं। यहाँ पर जो हमारा रोट था उसको हमने अच्छी तरह से पानी में घोल लिए हैं
पानी में घोल करके अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करके इसमें डाल दिए हैं। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी के अनुसार से आप अरारोट रख सकते हैं। तो हमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीब में हमने इसको इसमें डाल दिए हैं। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम ऐड कर सकते हैं। ड्राई बनाना है तो ड्राई भी बना सकते हैं, या तो ग्रेवी वाला बनाना है तो ग्रेवी वाला बना सकते हैं। ग्रेवी वाला बनाना है तो थोड़ा सा और भी पानी रख सकते हैं इसमें। थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिए, तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा सा पानी रख के इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए उसी से पका लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाइए और खाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो नमक डालना हम भूल गए थे, तो थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि पहले से तो नमक है, सॉस वगैरह में नमक रहता है, तो ज़्यादा नमक मत डालिएगा, स्वाद अनुसार नमक डालिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बाय।